Good morning from Amritsar guys. It's 6 a.m. in the morning. यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। सुबह उठ के रेडी हो गए हम लोग। ये नाम अभी तक मिटा नहीं है अपना। तू कैब के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ से सीधा अमृतसर रेलवे स्टेशन। इट्स ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस एंड उसके बाद हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ने वाले। रात का व्यू कुछ ऐसा था। यहाँ पे बॉनफायर किए ऐसे लोग। ये वाला कुछ सिटिंग एरिया ऐसे ये प्लेस में अमृतसर में नॉडल्स। गुड मॉर्निंग मैडम सर। गुड मॉर्निंग। फिर कब पकड़ी? पर्सनल कुली। कैब का स्टेटस देखा एक बार? 9 किलोमीटर। मैं उसको मैसेज भी की, देख भी नहीं रहा यार। हाँ तो चला रहा होगा। मैं बोली प्लीज कम फास्ट, सर भी बोली फिर भी नहीं देख रहा। तुमको इग्नोर मार। क्या ही कर सकते। थैंक यू भाई। कैब को 10 मिनट है अभी आने के लिए। व्हाट्स द टेम्परेचर? 7 डिग्री है। मैं 9 सोच रहा था। कैब वाले को कंटिन्यूस फोन कर रही है, मार देगी उसको। आ गया देखो, वाह तुम बोलते ही टाइम पे आ गया भाई। लेट्स गो। नाइस। एक हफ्ते से धूप ही नहीं निकला था। कल आए थे तो धूप निकला था, आज नॉर्मल हेज है। वंदे भारत एक्सप्रेस अमृतसर टू दिल्ली। 8:20 है टाइम। हम लोग 40 मिनट ऑन टाइम ही है, 30 मिनट्स पहले पहुंच गए। यहाँ से आपका अंदर का व्यू भी एक बार दिखा देता हूँ। इट इज़ वेरी गुड। पहली बार ट्रेन, मज़ा आ रहा है देखने में। ये वाला बोगी है यहाँ पे, ये ऐसे कोच है पूरा। नाइस। मैडम सर वहाँ बैठे अपना 40 मिनट 42। बाहर से कुछ लेके आया था, उसके बाद अंदर आएंगे फिर बैठ जाएंगे। हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच सर्व करते हैं इसके अंदर, वो भी दिखाऊंगा आप लोग को क्या क्या देखो। कंप्लीट ऐसा कुछ है बाहर से, अंदर से भी दिखा दिया आप लोग। पानी का बॉटल ले लेता हूँ, वाटर बॉटल चाहिए मेरे को। नाइस। सारे के सारे कोच ऐसे ही है। इतने में ही था, चिपक के नहीं। इतने छोटे छोटे हैं हम लोग, कहाँ से पैर आएंगे। शताब्दी में पूछना पड़ रहा था न्यूज़पेपर के लिए। यहाँ पे सबके सीट्स पे एक 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 पड़ा है। इसको सेंसर है, टच करना है इसको। चार्जिंग के लिए पोर्ट्स यहाँ पे दिए। फूड आ गया जी। एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या डिफरेंस? वो सीटें 360 डिग्री मुड़ जाती है। अच्छा, 360 रिवॉल्विंग है। हाँ जी। रिक्लाइनर्स भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। उसका प्राइस क्या है? उसका 2600-2700 एक टिकट। हाँ जी। अच्छा, एक बार देख लेता हूँ जाके। तो ये नॉर्मली है फिर? तो ये एक ही वाला जो कोच है, ये एग्जीक्यूटिव कोच है। लग तो नहीं रहा है मेरे को। नीचे भी, हाँ नीचे दिख रहा है इसका रिवॉल्विंग। एक एक एग्जीक्यूटिव कोच है बोल रहे। लेट्स सी। सो एग्जीक्यूटिव क्लास बेसिकली रिवॉल्विंग चेयर्स है, ज्यादा रिक्लाइन हो रहे हैं। दिल्ली पहुंच के मिलते हैं। सरसों का खेत नहीं दिखा हम लोगों को। ऐसा कुछ फूड मिला है इधर। एक डेजर्ट है गुलाब जामुन। तुमको दे नहीं रही, बस रखी हूँ। लेट्स गो। जो बस है बैठ के रात भर ट्रैवल ही करना है। सुबह पहुंचेंगे 6:30।
चलो सुसु मार ले तो पहले। हाँ गुलाबी शरारा बज रहा है, मैं सोचा अंदर बैठ के खाना है, बाहर उधर बैठ के खाना है। वाह चलो खाना खाने के लिए रुके हैं। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। ये वाला अपना बस है, इसी में बैठ के वापस निकलेंगे। अभी हरियाणा के बॉर्डर पे हम लोग मनाली सुबह 6 बजे तक पहुंचेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं सुबह पहुंच के। ठीक है देख लो, चेक इन करना है सुबह, वो भी टाइम देखना है कितने बजे है। कल मिलते हैं आप लोगों से वापस, अभी के लिए तो यहाँ से रात भर जम ही रहेगा हम लोग, सुबह मिलेंगे। चलो टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड हैव फन, गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय। Just like a drum, I hear your rhythm, you feel so near, oh, California, all senses clear. Chalo, time ho raha hai, what's the time, ma'am sir? 6:30, milenge kal subah yahan se, room is like this, acha hai, centrally heated property hai. आप लोग भी आ सकते हो, ऑर्चर्ड ग्रीन रिसॉर्ट्स, यहाँ से बालकनी व्यू है। अगर यहाँ पे स्नोफॉल होता तो ये पूरा एकदम स्नो से भरा रहता है, तो अभी नहीं दिख रहा, सुबह दिखाएंगे आपको भी। चलो मिलते हैं कल सुबह। It's day 4. ऐसा कुछ मौसम है बाहर, स्नोफॉल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक वहाँ कोने में है, यहाँ लास्ट में थोड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ से रेडियो के निकलना पड़ेगा हमको, टनल क्रॉस करके स्नो देखना है तो, और एक्टिविटीज़ कुछ स्नो वाले करने। लास्ट टाइम मैं आया था तो ऐसे ही था, बट शाम को जो स्नोफॉल हुआ था पूरा वाइट हो चुका था दूसरे प्लेस। ये वाला होटल है ऑर्चर्ड ग्रीन, ऐसे कुछ इसका बैल्कनी है, सारे रूम्स में एक एक बैल्कनीज दे दिया ऐसे। सेंट्रली हीटेड प्रॉपर्टी है तो ठंडी वंडी का नहीं, अभी इधर फिलहाल टेम्परेचर 3 डिग्री है। इफ़ वी गेट लकी शाम को अगर मौसम थोड़ा बिगड़ा बोल रहे स्नोफॉल हो सकता है, तो जो भी ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है पूरा वाइट से भर जाएगा। बर्फ में घूमते थे, कहाँ एकदम सन्नाटा, पूरा एक बर्फ का गोला तक नहीं दिख रहे। ये वाला होटल है इनका, ऑर्चर्ड ग्रीन रिसॉर्ट, ऑर्चर्ड ग्रीन रिसॉर्ट, 3-4 है, स्काई डेक, स्काई डियर, नाइस, 3-4 प्रॉपर्टीज है ऑर्चर्ड ग्रीन वालों का। ये एक है वो पीछे वाला, एक हमारा वाला। हो गया अपना हडिम्बा टेंपल का दर्शन, मस्त अंदर जाके, अभी खाली था। कौन है हडिम्बा? हडिम्बा माता है। महाभारत में जो भीम की जो वाइफ थी वो है हडिम्बा, और एक्चुअल में वो राक्षसी थी, लेकिन जब वो भीम से उन्होंने शादी किया तो उन्होंने बहुत, मतलब उनके टूवर्ड्स वो बहुत प्यार में, और उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन वगैरह किया, तो उसके बाद मतलब बहुत सालों अरसों तक उन्होंने मेडिटेशन किया जिससे उनको स्पिरिचुअल पावर्स आए, और ये जो ढींगरी करके जो लोकल जो पीपल थे, हाँ जो लोकल पीपल थे उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब शी वॉज वेरी काइंड टू देम, तो तब से उनको एज अ काली माता उन लोग पूछते हैं, मतलब यहाँ की काली माता का पूजा करती थी ना। हाँ वो काली माता का पूजा करती थी, और जैसे जब भीम घर आते थे तो उनके लिए वो बलि वगैरह चढ़ता था उनके लिए, मतलब एज अ सेलिब्रेशन जैसा, तो वो चढ़ाया जाता था। निकलते हैं मनाली रोड जाते हैं। यूजुअली यहाँ पे एक दिन का अगर टूर आ रहे हो तो ऐसे कैब वैब लेने की जरूरत नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस में ये आ जाता है, मनाली वाला जो मॉल रोड है वो जा सकते हैं नियर बाई, तो 2-3 लोकल साइट सींग है वो कर सकते हैं बिना कुछ एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्च किए,
कैब वैब पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस में है। पहुंच गया मनाली मॉल रोड। लास्ट टाइम मैं इसी के ऊपर स्काई मनाली रूफटॉप कैफे पे गया था, बहुत सारे क्लिप्स भी डालूंगा देखना, बट बहुत चेंजेस हो गए पहले से। मनाली का मॉल रोड है, यहाँ लोग दिख रहे हैं बस, जैम पैक है एकदम। सबसे कुछ तो था ये वाला तंदूरी मोमो है, जूस डाल के दिया, अभी बना के दिया तंदूरी, भाई ग्रेवी, वही ग्रेवी बना के अभी थोड़ा सही दे रहा है। कौन है भैया? रुक रुक के ठंडी लग रहा है, रुक रुक के ठंडी लग रहा है, पूरा जैम पैक कर रही है। डाकू मंगल सिंह, चंबल का डाकू, मजाक उड़ाने लग करी लिया। ठंडी लग रही है ना? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, एकदम कूल लग रही है, एकदम स्वैग में। कुछ पीना है तुमको भी? यहाँ बोल सकता है उसको बनाने के लिए, चाय सुट्टा वाला। आगे एक शॉल वाला दुकान है, लास्ट ईयर भी मैं उनके पास लिया था, बहुत अच्छे दिए थे, आपको दिखाता हूँ। दिस इज गुड, ये अलग रख दो, ये वाला वाइट बोली दो, ठीक है। हाँ, दो तो चलेगा सिस्टर, अच्छा शॉप बढ़िया है, ये तीन देख के ले लेंगे। मॉल रोड मनाली दुर्गा माता मंदिर, दो मीटर के लिए चलो। आज का टास्क तो हो गया, सामान भी ले लिए, शॉपिंग भी हो गया, थोड़ी देर बैठ भी गए, अभी यहाँ पे कुछ खा लेंगे कहीं, खा के हम लोग जाकर रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि तीन चार दिन से जब से ट्रिप से स्टार्ट हुए 5 दिन से नींद कभी नहीं हुई, हार्डली वी स्लेप्ट लाइक 5 आवर्स 6 आवर्स 4 आवर्स, तो आज अच्छे से 12 घंटे का नींद कंप्लीट करेंगे ताकि कल स्नो वाली एक्टिविटीज़ अच्छे से हो सके। कल आपको कोकसर वाला जर्नी पूरा दिखाएंगे, कोकसर में स्नोफॉल हुआ है अटल टनल क्रॉस करके, वो आपको दिखाएंगे अभी, कल पूरा उसी का रहेगा। यहीं पर बूफे कर लेंगे, मस्त है, पूरा शूट हुआ है, कम से कम नहीं बोले तो भी 70-80 GB का डेटा है, दूसरे डिवाइसेस तो यूज़ भी नहीं हुए अभी तक, सिर्फ फ़ोन ही यूज़ हुआ है, क्योंकि स्नोफॉल है नहीं तो गिम्बल्स का और एक्शन कैमराज का यूज़ हो नहीं रहा है। ये एक बहुत काम का चीज़ है, 2 TB हार्ड डिस्क SSD, रेंडर करने में ईजी हो जाता है। भालू डिनर टाइम, लग रहा है इसके अंदर नहीं, नहीं सही है, सही लग रहा है, ये शॉल डाल लिया ना तो छुप जा रही हो, लग नहीं रहा, देखो शीशे में खतरनाक लग रही है, मोटी। ऐसा कुछ सेक्शन है इधर का, रेस्टोरेंट का सेक्शन, बुफे भी ठीक ही है, चल जाता है। मैडम का फेवरेट आइटम, मैडम सर का हरा भरा कबाब,